पहुंच गए हैं आयरलैंड, एयरपोर्ट से बाहर हो गए हैं। इमिग्रेशन पे कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई, बट यहाँ पे हम हैं मैनचेस्टर में। और आप देखोगे बिल्डिंग्स बहुत अच्छी है, मेरे को तो यार बिल्डिंग्स के साथ प्यार हो गया। मैंने काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी व्लॉग्स में मैंने बिल्डिंग्स की ही बात करी। यार देखो यार, अब खुद ही कहोगे यार बहुत सुंदर है यहाँ पे सारा कुछ। और ये ट्रैम ट्रेन आ गई फिर से दोबारा, ट्रैम्स। बाकी अभी अरुण भाई से बात करते हैं कैसा लग रहा है। तो भाई कैसा लग रहा है भाई, मतलब वाकई में ऑसम है। जैसे बोल दो, अभी मैं उसमें लंदन में था, तो लंदन में मैं 4 दिन रहा हूँ ना, तो मुझे फूड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। सच्ची बताऊँ तो मैंने वहाँ पे चिकन खा के गुजारा करा है ना। तो जैसे अब मैनचेस्टर में आया हूँ, तो मेरे मैनचेस्टर में आती ही हरप्रीत भाई ने मतलब रोटी खिलाई। जैसे बोल रहा ना, हम ढाबे पे गए और इंडियन फूड था, मतलब पाकिस्तानी ढाबा था, और जो उसका ऑनर था वो पाकिस्तानी था ऑब्वियसली। तो मतलब इतने अच्छे रिस्पेक्ट से उन्होंने बुलाया ना, अच्छे से रोटी खिलाई, मतलब बहुत सही लगा। जैसे बोल दो मैनचेस्टर सही है, इंडियन यहाँ पे ज्यादा है, काफी मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, ये देखने वाली बात है। काफी दिन से मैं यही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अच्छे से बुलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को, और उनकी लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है, पहरावा सेम है, सारी चीजें सेम है। चलो वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान पंजाब से है, हम इंडिया पंजाब से, लेकिन चलो पाकिस्तान निकला भी तो हमारे में ही है, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी इकट्ठी थे है ना। तो मतलब वैसे सच्ची बताऊं तो यहाँ पे बाहर की कंट्री में कास्ट वास्ट वाला या कंट्री वाला कोई सिस्टम है नहीं, हमारे इंडिया में है सच्ची बताऊं तो सारा वाला। तो मतलब है नहीं भाई, आप पाकिस्तान से, आप इंडिया से, ये वहाँ पे नहीं है, बस ये भी हाँ भाई हाँ ठीक है, मतलब एक दूसरे जैसे दिखते हैं भाई, ठीक है, हम सारे सेम ही है भाई, ये सिस्टम है यहाँ पे है ना। इंडिया में को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं भाई, ये पाकिस्तान से, ये इंडिया से, ये वो है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये वो, वहाँ ऐसा धर्म वाला कोई सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल प्यार से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं यहाँ पे। तो बाकी अभी थोड़ा एक्सप्लोर करवाते हैं अरुण भाई को यहाँ पे। जी बिल्कुल, सिटी सेंटर में थोड़ा घुमाते हैं। और बाकी अरुण जी बताएंगे क्या एक्सपीरियंस रहता है सारा। एक्सपीरियंस तो भाई ऑसम ही है सच्ची बताऊं तो। फिर इसके बाद क्या प्लान है अरुण भाई अभी यूके के बाद? अभी नेक्स्ट तो भाई बैग उठा रखे हैं, बस अब एयरपोर्ट पे जाएंगे। और अभी हम इसके बाद जाएंगे आयरलैंड, हमारा आयरलैंड का प्लान है, दोनों इकट्ठे जाएंगे। हमने इकट्ठे ही प्लान बनाया था, हमारी बातचीत होती रहती थी, मिले पहली बार है यूके में मिले हैं। और अरुण अपना बात हमारी इंडिया से हो रही है और मिले यूके में। अरुण भाई हमारी सिटी से लगभग गुजरते रहते हैं हर बार, हाँ, बात भी होती रहती थी हमारी, बट मिले अब आज पहली बार है हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आयरलैंड का थोड़ा सा प्लान है, तो आयरलैंड में जाते हैं, अभी आज रात को ही निकलेंगे आयरलैंड के लिए, और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, तो थोड़ा अभी घूमते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाते हैं अभी दोबारा से आयरलैंड, सॉरी मैनचेस्टर। तो अरुण भाई पूरे व्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे, इसको पसंद आ गया मैनचेस्टर। मैं तुम्हारा भी लोग बना रहा हूँ यहाँ पे। सबसे बड़ी बात फूड अच्छा है यहाँ पे, मतलब इंडियन फूड मिल रहा है वो अच्छी बात है। जैसे 4 दिन के लिए रोटी खाने के लिए तरस गया था, वो सीन नहीं है यहाँ पे, दिखा दे। बाकी यहाँ पे घूम रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड यहाँ पे। पहुँच गया हूँ मैनचेस्टर के एयरपोर्ट, अभी हम जा रहे हैं आयरलैंड, मेरे साथ है अरुण भाई, और रात हो गई है, सुबह हमारी अर्ली मॉर्निंग हमारी फ्लाइट है, और हमने रात को ही आ गए यहाँ पे, क्योंकि बस पास वगैरह हमने बना रखे थे, तो हमारी ट्रैवलिंग वगैरह फ्री थी मैनचेस्टर की। तो एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बना रखा है, हमारी टर्मिनल 3 पे फ्लाइट आएगी, रियान एयर हमारी फ़्लाइट है, और रियान एयर हमने चेक किया कि टर्मिनल 3 पे ही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे आपको दिखाएंगे क्या एक्सपीरियंस रहता है फ्लाइट का और आयरलैंड का, और इमिग्रेशन का, और इमिग्रेशन का क्या रहता है मुझे। बाकी जो मुझे लग रहा है कि इतना कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, क्योंकि अगर यूके में एंट्री होगी हमारी तो आयरलैंड मतलब मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम करेगा नहीं। चलो फिर भी एक्सपीरियंस तो होता है जो शेयर करने वाला, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे वो चीज़ें। तो बाकी आपको दिखाते हैं एक बार एयरपोर्ट, ये सारी नीचे पार्किंग है और लोग आ रहे हैं काफ़ी, ये मेरे ख्याल में आयरलैंड वगैरह से ही आ रहे हैं काफ़ी, आयरिश लोग लग रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा बना रखा है, ब्लू ब्लू लाइट है, काफ़ी काम सा है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं।
सुबह सुबह फ्लाइट है हमारी 8:10 पे, बोर्डिंग पास हो गया, चेक इन वगैरह हो गया सारा कुछ, बट इमिग्रेशन की कोई स्टैंप नहीं लगती यहाँ पे, हमारी लगी नहीं है कोई भी इमिग्रेशन की कि हम चेकआउट कर रहे हैं, मतलब डिपार्चर कर रहे हैं यूके से। यूके से ही रूल है, जो बंदा यूके से मान लो इंडिया भी जाएगा उसके हाँ। पासपोर्ट भी स्टैंप नहीं लगती, इमिग्रेशन होता ही नहीं है उस पे। होता ही नहीं है हाँ, बस हाँ। वो चेक बोर्डिंग पास देते हैं, बस उसको स्कैन करो और स्कैन करने के बाद सीधे बस अपना सिक्योरिटी चेक इन करो और उसके बाद आप मतलब जा सकते हो। जा सकते हैं। ये हमारी फ्लाइट खड़ी है, फ्लाइट के पास पहुँच गए, अभी जस्ट अंदर जाएंगे, लाइन्स लगी हुई हैं अभी रास्ते में है, तो अंदर जाके देखते हैं किस तरीके की फ्लाइट है ये। पहली बार रियान एयर में ट्रैवल कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आयरलैंड डबलिन, लैंड हो गया प्लेन और नीचे उतर रहे हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश हो रही है काफ़ी तो नहीं कह सकते, पहले हो ही होगी पहले, बट अभी थोड़ी सी कम है, जस्ट ड्रिजलिंग सी हो रही है और यहाँ पे बादल वगैरह हैं काफ़ी, और ठंड है पहले से ज़्यादा, यूके से ज़्यादा ठंडा मौसम है यहाँ पे। पहुंच गए हैं आयरलैंड एयरपोर्ट से बाहर, हो गए हैं इमिग्रेशन पे, कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई, बट हाँ लंदन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम इमिग्रेशन की तरफ से नहीं थी क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह नहीं होता वहाँ पे, प्रॉब्लम थी यहाँ वहाँ पे सिर्फ उसकी क्या बोल सकते हैं उसे, फ्लाइट टिकट की, जो हमारी फ्लाइट है उसमें हमने चेक इन करना होता है, जो चेक इन है ऑनलाइन रहता है बट हमने किया नहीं, उसकी वजह से उन्होंने पेनल्टी लगाई है। पेनल्टी क्या रहती है कि पेनल्टी क्या होती है कि अगर हमने चेक इन नहीं किया तो 5500 pounds हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, बट फ्लाइट इससे सस्ती थी, फ्लाइट लगभग 4000 की थी बट 5500-6000 हमें पेनल्टी लग गई यहाँ पे। तो अगर आप फ्लाइट ले रहे हो, जो रियान एयर है वो क्या कहते हैं कि अगर आप हमारी फ्लाइट से सफ़र कर रहे हो, हमारी फ़्लाइट में आ रहे हो, तो आपको जो वेब चेक इन ऑनलाइन करना होता है जो 24 आवर्स पहले होता है, बट हम 2 घंटे पहले काउंटर पे पहुंचे, उस टाइम पे चेक इन बंद हो गया था, तो इस वजह से हमें उन्होंने बोला कि 55 pounds आपको एक पर्सन के देने पड़ेंगे, तो ये आप लगा लो कि जितने की फ़्लाइट टिकट नहीं थी उससे हमें ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ गई है। बट खैर कोई ना, अब हम पहुँच गए हैं आयरलैंड, तो अभी बस वगैरह लेंगे, जो हमारा जो होटल है वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए है वहाँ पे। बट इजी यहाँ पे इसलिए रह गए, हमारे पास यूके का वीज़ा था, अदरवाइज आयरलैंड बहुत स्ट्रिक्ट है, यूके का वीज़ा होने की वजह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट इन्होंने पूछा कहाँ पे जाना है, कौन से हॉस्टल में जाना है, कौन सी सिटी में रहना है, फ़्लाइट जो वापसी की है वो कहाँ की है, तो हमने बोल दिया यूके की है, तो उनको डेट्स बता दी कि हमने इस तरीके को वापस जाना है। तो इस तरीके से ये सारा इमिग्रेशन का हमारा रहा है। सिटी सेंटर अभी, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, पूरा जो होटल है हमारा वो स्टेशन यहाँ पे है, पीछे जो बस खड़ी है, हम इस बस में आए, ये वाली बस में, तो पूरा जो यहाँ पे जहाँ पे भी है हम रुके हैं सिटी सेंटर में, बहुत सही है यार, बहुत मतलब लोग हैं यहाँ पे, पूरी रौनकें लगी हुई है, आपको दिखाते हैं। ये देखो ये ब्रिज है यहाँ पे, और ये साथ में रिवर जा रहा है, और सामने बिल्कुल रेस्टोरेंट्स हैं, लोग घूमने फिरने आ रहे हैं यहाँ पे। पूरा यूके की तरह ही लग रहा है, ये जो बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर्स है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का यूके की तरह है, और बट ये यूके में रिवर जो है थेम्स रिवर होती है, बट यहाँ पे ये वाली रिवर पे ही सारा मतलब जो मेन सिटीज़ है, सिटी है, सिटी सेंटर है, इस रिवर के साथ साथ में ये सारा बिल्डिंग्स देखोगे आप बिल्कुल यूके की तरह ही लग रही हैं।
जा रहे हैं होटल में, अभी थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, थक गए हैं रात को काफी रात को, मतलब थोड़ा ये कि रात को निकल गए थे एयरपोर्ट पे, तो अभी सुबह पहुंचे हैं, अर्ली मॉर्निंग पे यहाँ पे पहुंच गए हैं। अभी होटल में जाते हैं तो रेस्ट करते हैं, उसके बाद जैसे भी रहता है कार्यक्रम दिखाएंगे आपको घूमने फिरने वाला, सिटी का माहौल दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। हाँ सारा जो अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं वो दिखाएंगे आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जुड़े रहे आप चैनल के साथ। धन्यवाद जी, मिलते रहेंगे आपको और व्लॉग्स के साथ। धन्यवाद जी।